अंपायर को वो आउट देना चाहिए था। देखें इतना बड़ा लगा है, मिडल स्टंप पे आपको नजर आ रहा है कि ये लग गया तो विकेट मिल सकती है, तो वो अंपायर को डिसीजन तो लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले पाते तो ये तो देखें इफन बर्ड्स में चला जाता है बार्ड, तो वही बात के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट गेम था। ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, स्टे इन टॉप फोर या टॉप फाइव में पाकिस्तान को आगे जाने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, जिस तरह लास्ट गेम इंग्लैंड को जीतना बहुत जरूरी था। तो पाकिस्तान का ये मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ये मैच हार गया, एक विकेट से ये मैच हारा। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, बाबर आजम ने एक दफा फिर ओपनर हमारे फ्लॉप हुए, शॉर्ट बॉल पे पाकिस्तान ने अपने 3 विकेट लूज किए और उसके बाद बाकी रही सही कसर स्पिनर शामची ने बहुत ही तबाहकुन उमदा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट पाकिस्तान के ले उड़े। ये उन्हीं के 4 विकेट लेने की बदौलत पाकिस्तान यहाँ पे 270 पे आउट हुआ, अदरवाइज पाकिस्तान या 290-300 प्लस स्कोर भी कर सकता था। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर स्पेयर 20 बॉल पाकिस्तान के बच जाएं और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं, तो वो जो 20 बॉल जो पाकिस्तान ने वेस्ट किए हैं, जो एंड पे पाकिस्तान अगर 15-20 रन और बनाता तो ये मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान की ना होती। बट ये अगर और मगर की बात है, जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की, इसमें बाबर आजम 50 बना के फौरी आउट हो गए। कॉन्ट्रोवर्सी उनके कैच पिक के ऊपर हुई है कि ग्लव से थोड़ा दूर था या ग्लव्स लगा था, बट इन द एंड थर्ड अंपायर डिसीजन एज वो नज़र आया और वो विकेट खो गए, वो आउट हुए। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त शताब खान की और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप लगी, वो बड़ी एक्सीलेंट पार्टनरशिप थी। उसमें भी शॉर्ट बॉल पे शताब खान आउट हो गए, बड़े सेट हो गए थे, मुझे लग रहा था कि आज शताब खान लंबी इनिंग खेलेंगे। सऊद शकील, आपको देखें वही बात के एक बॉलर का बॉल ऑलरेडी स्पिन हो रहा है और उसका बॉल बाउंस भी हो रहा है, आप उसको बैकफुट पे जाके खेलेंगे तो उसकी यही सूरत हाल होती है। इफ एंड बट्स में रहते हैं, देखें आप पीछे जाके उसको हल्का सा लगाएंगे तो वो तो लग जाएगा। अब यही बात है कि अगर वो अच्छी बॉल कर रहा है तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, बॉलर जब अच्छी बॉल करता है तो उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। शामची ने इस विकेट में जिस तरह की बॉलिंग किया, देखिए हवा में उन्होंने बॉल फेंका है मगर मोस्टली रिप्स के साथ वो बॉल फेंका, 60 स्कोर तो उन्होंने खाए हैं मगर 4 टॉप मेन विकेट वो ले उड़े पाकिस्तान की, उमदा बॉलिंग की। मार्को ने वंस अगेन अच्छी बॉलिंग का मजा लिया, उन्होंने ऊपर से 2 बाउंसर पे पाकिस्तान के 2 विकेट लिए, उन्होंने बल्कि बाउंसर पे एक पहला बाउंसर पे अब्दुल्ला शफीक का, दूसरा जो उन्होंने फील्डर लिया ऑफ स्टंप के ऊपर इमाम को बॉल किया है, उन्होंने वहीं पे वो वीक थे और आखिर वो कैच करवा गए। और उसके बाद कोटजी ने 2 विकेट लिए, उसने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के ओवरऑल सब मिला के 270 रन बनाए, इसमें देखें शादाब खान ने 43 रन की इनिंग खेली, पॉजिटिव इनिंग। इफ्तिखार बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने गलत च्वाइस की शॉट सिलेक्शन की। हाँ पॉजिटिव उन्होंने स्टार्ट तो किया था खेलना, बट उस पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। इन द एंड वही बात कि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही, फिर भी आप चांस आपको लेना चाहिए था तो फिर लेते। मैक्रम के ऊपर जब वो स्पिन कर रहे थे उनके ऊपर चांस बनता था आपका लेना, वो बाबर आजम ने खुद चॉइस करना था कि किस तरह रोका हुआ था। बट ये है कि वही बात के अगर और मगर के तो गेम नहीं है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग स्टार्ट की, मुझे तो लग रहा था कि 30 ओवर में खेल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, बट उमदा बॉलिंग पाकिस्तान की। आज थोड़ा पाकिस्तान ने फील्डिंग के अंदर भी जान मारी है, पाकिस्तान ने बॉलिंग के अंदर भी जान मारी है और काफ़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। एक टाइम आ गया था कि पाकिस्तान, देखें अंपायर कॉल पे वो बच गए सैम सिंह, अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। देखें अंपायर को वो आउट देना चाहिए था, देखें इतना बड़ा लगा है मिडल स्टंप पे आपको नजर आ रहा है कि ये लग गया तो विकेट मिल सकती है, तो वो अंपायर को डिसीजन तो लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले पाते तो ये तो देखें इफन बर्ड्स में चला जाता है बार्ड, तो वही बात के जब मैच अच्छी बॉलिंग हो रही है और अच्छा बॉल लगा उसके पैड के ऊपर बैकफुट पर लगाया है तो आउट तो अंपायर को देना चाहिए। ये तो अंपायर कॉल पर नॉट आउट तो देना ही नहीं चाहिए। दूसरा, जिस तरह से देखें एक
कॉन्सेशन रूल्स के तहत आपको उसामा मीर टीम अंदर आ गया, जैसे शदाब खान को जो बॉल लगा वो इंजरी हुई, हेड उसका ज़मीन पे लगा, तो एक ही रूल्स आया है आईसीसी की तरफ से, किसी भी प्लेयर को दौरान खेल हेड पे कोई इंजरी हो जाती है जिसमें वो बाहर चला जाता है तो उसकी जगह रिप्लेस आप कर सकते हैं, इवन दोस्त के वो मेडिकल टेस्ट के बाद बता सकते हैं कि हाँ जी ये नहीं खेलने के काबिल, इसको रेस्ट चाहिए 48 घंटे या 72 घंटे जितने भी हैं वो रेस्ट चाहिए, उसके बाद ये खेल सकता है। बट उसकी जगह उसामा मीर को चांस मिला, उसामा मीर ने आज अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने मैक्रम की विकेट ली जो उस टाइम पे, एक तो पहले उन्होंने लेग फोर विकेट ली वो भी कंट्रोवर्सी मुझे वो लग रहा था जहाँ पे उसके बॉल हिट हुआ है वो विकेट के ऊपर से बॉल जा रहा था बट DRS में विकेट पे हिट कर गया बॉल, आई डोंट नो DRS के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। मैक्रम ने बड़ी उमदा मज़ेदार इनिंग खेली, उन्होंने 91 रन बनाए, तीसरी दफ़ा जो अंडर 1990 में ये आउट हुए हैं उमदा उन्होंने बैटिंग की, बड़े पाकिस्तान के बॉलर्स को उन्होंने ठगाई भी लगाई काफ़ी, उसके ऑन फॉरन थोड़े थोड़े 30-30, 35-35 रन दूसरे प्लेयर भी बनाते गए, जिसमें इनके कप्तान ने अच्छा स्टार्ट किया था शॉर्ट बॉल पे, वसीम जूनियर को आज जब खिलाया गया हसन अली की जगह तो वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की। आज देखें ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान बॉलर्स ने बहुत उमदा बॉलिंग का मुजाहरा किया, स्पेशली वो हारिस रऊफ का जो नवा नगीडी का जो कैच था जो उसने डाइव मार के लेफ्ट हैंड में किया, तो मैं कहता हूँ बेस्ट कैच में शामिल होता है वर्ल्ड कप के, 150 की स्पीड पे बॉल करना उसके बाद फॉलो थ्रू में जाके डाइव मार के कैच करना और वो भी नॉन स्ट्रॉन्ग आर्म से लेफ्ट आर्म से, तो बड़ा अच्छा कैच था वो, काबिले दीद था। बट गलतियां भी तो हैं ना हमारी इसमें, देखें हमने जो मार खाई है वही बात कि आप 150 की स्पीड पे बॉल कर रहे हैं, आज हारिस रऊफ ने 54 की स्पीड पे बॉल किया है, उस बॉल को अगर लाइन पे अगर नहीं करेंगे तो वो बॉल तो किसी का काम का नहीं, चाहे 160 पे आप कर दें सीधा बल्ले पे आता था, और बॉल्स टू मैनी हमने बैट बॉल भी हमने किए। और दूसरा जो नवाज का ओवर लास्ट हमने दिया है, आपको पता कॉन्फिडेंस नहीं है नवाज को, उसामा मीर का बॉल बाउंस हो रहा है तो आपने फिर भी कप्तान ने मोहम्मद नवाज को ओवर दिया कि शायद इसके पैड पर लग जाए और दोनों ही बॉल उसने पीछे किए, आई डोंट नो कि पता नहीं क्या था, 5 रन चाहिए अब भी आप लास्ट मैन के ऊपर भी आप अंडर प्रेशर हैं तो फिर आपने किसको बॉलिंग करनी है यार आके। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, आज थोड़े उसके बॉल लाइन में गिरे हैं तो स्पिन भी हुए हैं, मैक्रम 2-3 दफ़ा बचे हैं, टॉप ऑफ फील्डर के ऊपर से गया है, बहुत अच्छी बॉलिंग का उसने मुजाहरा किया है, वो अच्छी भली बॉलिंग कर रहा है, अगर एक बॉलर को बाउंस मिल रहा हो तो उसको ओवर देनी चाहिए कि बकाए क्या मोहम्मद नवाज को ओवर दे दें जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, उसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग नहीं की, उसामा मीर ने भी नहीं की, बट मैच के अंदर उसामा मीर ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर पा रहे थे। और स्टार्ट पाकिस्तान ने स्पिनर से आज किया और वही बात, जहाँ तो पाकिस्तान नए बॉल से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, नया बॉल हमें नहीं मिल रहा किससे करवाया जाए, आज हसन अली बाहर थे तो हमने इफ्तिखार को नया बॉल दे दिया तो 2 ओवर में उनको मार पड़ी, उसके बाद नवाज को पहले ओवर में मार पड़ गई, उसके बाद हारिस रऊफ ने भी पहले ओवर में ही छक्का खाया था, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये सारी इफ एंड बट्स जो पाकिस्तान के गेंद जाती है। और पाकिस्तान ने आज पहला मैच ऐसा हुआ वर्ल्ड कप का, ऐसा पहला मैच हुआ है वर्ल्ड कप में जो मैच फंसाया, अदरवाइज सारे मैच नॉर्मल रहे हैं, कोई भी इतना फंस के मैच नहीं हुआ और ये आज पहला मैच हुआ था, बट हार्ड लक पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप में आगे जाने के, मे भी मैं कहूँ 20% चांस है, जैसे इंग्लैंड के चांस है किसी को हराएं फिर आगे जाएं, अपने मैच भी तीनों जीतें, इफ एंड बट्स है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत बहुत कम माइनर चांस है टू क्वालिफाई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, बट लेट्स सी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।